सत श्री अकाल जी सारिया नू स्टूडेंट्स, मैं खुशी शर्मा आप सब का स्वागत करती हाँ आप दे अपने यूट्यूब चैनल खुशी हनु शर्मा दे विच। उम्मीद है कि तुसी सब ठीक होगे ते बहुत वधिया तरीके दे नाल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। स्टूडेंट्स, हाल ही विच एक मैं एडवरटाइजमेंट देखा जो वायरल हो रहा है जिदे अकॉर्डिंगली PEE BBBS क्लर्क का एग्जाम भी नेड़े तेड़े ही आने वाला है। तो अज तो मैं जो मैं वीडियो लैके आई हाँ तुहाडे लिए आंगनवाड़ी के लिए तो इंपोर्टेंट रहेगी ही, इहदे नाल ही जेकर तुसी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो उहदे लिए भी तुहाडे लिए इंपोर्टेंट रहेगी क्योंकि उहदे विच भी सेम आही टॉपिक्स ने इंडियन जीके दे। तो अज आपां इंडियन हिस्टरी के नाल रिलेटिड कुछ एक इंपोर्टेंट MCQs करांगे। शुरू कर लैंदे हां अज दा वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च नूं होया सी। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइनड ऑन 5 मार्च। जिहड़ा गांधी इरविन समझौता है ये कदों होया सीगा? 1928, 1930, 1931 या 1935। इहदी एक्सप्लेनेशन देख लैंदे हां। इहदा राइट आंसर है 1931। गांधी इरविन पैक्ट वॉज अ पोलीटिकल एग्रीमेंट साइनड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी ते लॉर्ड इरविन दे विचकार ये एग्रीमेंट होया सी। लॉर्ड इरविन कौन सी? वाइस राय ऑफ इंडिया। ये होया सीगा 5 मार्च 1931 दे विच, बिफोर द सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। लंडन दे विच होण वाली जिहड़ी सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सी उस तो पहला होया सीगा। ठीक है जी। तो इहदे विच आपां की पढ़िया कि गांधी इरविन समझौता कदों होया सी? गांधी इरविन समझौता होया सी 5 मार्च 1931 नूं लॉर्ड इरविन ते नाले गांधी जी दे विच। लॉर्ड इरविन कौन सी? वाइस राय ऑफ इंडिया। ठीक है जी। बस तुसी डेट मेन याद रखो क्योंकि काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 नूं होया सीगा। ठीक है जी। कांग्रेस ने किस सैशन विच पूरा ऐलान किया? पूर्ण स्वराज इसका टीचा है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि इहदा टीचा की है कांग्रेस का? पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना इहदा टीचा है। कदों किया? लाहौर सैशन 1929, मद्रास सैशन 1927, अहमदाबाद सैशन 1921 या गया सैशन 1922। कांग्रेस ने ऐलान किया कि पूर्ण स्वराज इसका टीचा है, तो यह ऐलान किया गया सी लाहौर सैशन 1929। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन लाहौर एंड महात्मा गांधी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर द ब्रिटिश टू ग्रांट डोमिनियम स्टेटस टू इंडिया विद इन 2 ईयर्स। ठीक है जी। तो इन्होंने की सोचा सी? विद इन 2 ईयर्स कहिंदे सी आपां अपनी इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज नूं प्राप्त करना है। कदों होया सीगा जी यह इसका टीचा? ये कदों ऐलान किया गया सीगा कि पूर्ण स्वराज जो है कांग्रेस के सैशन का टीचा है? लाहौर सैशन 1929 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्रता दिवस अणअधिकारित तौर पर कदों मनाया गया सी? आज़ादी तो पहला, इंडिपेंडेंस तो पहला ही जो है कहिंदे आज़ादी तो पहला ही अणअधिकारित तौर पर अनऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे सैलीब्रेट कर लिया गया सी। कदों किया सी? 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1935 या 26 जनवरी 1930। ते अनऑफिशियली कदों सैलीब्रेट किया सी इंडिपेंडेंस डे? ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 नू अनऑफिशियली सैलीब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे। द फ्लैग ऑफ इंडिया वाज होइस्टेड पब्लिकली अक्रॉस इंडिया बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स, नैशनलिस्ट्स एंड द पब्लिक। कहिंदे 26 जनवरी 1930 नूं जिहड़ा भारतीय झंडा है उन्हूं लहराया गया सी, फहराया गया सीगा। ठीक है जी। तो अनऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे सैलीब्रेट किया गया सी। क्वेश्चन ये एग्जाम दे विच आ भी सकता है क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है 26 जनवरी 1930 नूं। वज जांदे अपने नैक्सट क्वेश्चन वाल। बरतानवी प्रधानमंत्री कौन सी जिसने पहला सम्मेलन बुलाया सी लंडन विच? गोल मेज कॉन्फ्रेंस। हु वॉज़ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन? लंडन दे विच फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केड़े प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई सी? चर्चिल, रामसे मैकडोनल्ड, चैम्बरलेन या डिसराइली?
राइट आंसर है रामसे मैकडोनल्ड। एदी थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंदे हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वेंस्ड बाय लेबर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड फ्रॉम 12 दिसंबर 1930 टू 1931 इन लंडन। ठीक है जी। बरतानवी प्रधानमंत्री जिसने पहला सम्मेलन बुलाया सी लंडन विच गोलमेज कॉन्फ्रेंस था उसी रामसे मैकडोनल्ड। वध जांदे अपने नैक्सट क्वेश्चन वल। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस किसने शुरू की सी? किंग जॉर्ज वी, एम के गांधी, लॉर्ड इरविन, रामसे मैकडोनल्ड। इहदा राइट आंसर देख लेंदे हैं की आ। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय हिज मैजेस्टी जॉर्ज वी ऑन नवंबर 12, 1930 इन रॉयल गैलरी हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एट लंडन एंड चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई सी किंग जॉर्ज वी दे द्वारा। किंग जॉर्ज दे द्वारा पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू की गई सी। तो जोड़ा लास्ट क्वेश्चन आप पढ़िया है वो पढ़िया है कि पहला बरतानवी प्रधानमंत्री कौन सी जिन्हें पहला सम्मेलन बुलाया सी। प्रधानमंत्री की गल की गई है प्रधानमंत्री कौन सी रामसे मैकडोनल्ड। तो वैसे कॉन्फ्रेंस किसने शुरू की सी किंग जॉर्ज ने। एक इस दे नतीजे वजो गांधी द्वारा इतिहासिक फास्ट खत्म हो गया सी। गांधी जी ने जोड़ा इतिहासिक फास्ट रख्या सी वो किसके कारण खत्म होने आ गया? पूना पैक्ट, वाइस पेपर जारी करना, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन की आमद। तो जोड़ा पूना पैक्ट होया सी इस तो बाद गांधी जी द्वारा किया गया इतिहासिक फास्ट खत्म हो गया सी। ऑप्शन ए हिस्टोरिक फास्ट बाय गांधी जी केम टू एन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट तो बाद गांधी जी द्वारा किया गया इतिहासिक फास्ट जो सी वो खत्म हो गया। ऑप्शन ए पूना पैक्ट। मेरा सब तो मजबूत बल वर्क खत्म हो गया है गांधी जी ने विरलाप किया किसकी मौत पर। माई स्ट्रोंगेस्ट बल बुल वर्क इज गॉन लेमेंटेड गांधी जी ऑन द डैथ ऑफ। ठीक है जी। गांधी जी ने किसकी डैथ पर गल कही सी कि माई स्ट्रोंगेस्ट बल वर्क इज गॉन। किसकी मौत पर क्या सी? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, विफरोज शाह मेहता या बाल गंगाधर तिलक। तिलक की मौत से गांधी जी ने यह शब्द कहे सी माई स्ट्रोंगेस्ट बुलवर्क इज गॉन लेमेंटेड महात्मा गांधी ऑन द डैथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कदों हुई सी? फर्स्ट राउंड टेबल कदों हुई सी? 1933, 1931 या 1903। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1930 दे विच। साइमन कमीशन की अयोगता के जवाब विच लेबर सरकार जो कि 1929 रामसे मैकडोनल्ड की अगवाई विच सत्ता विच आई सी ने लंडन विच गोलमेज कॉन्फ्रेंसा की एक लड़ी आयोजित करन दा फैसला किया। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 तो 19 जनवरी 1931 तक बुलाई गई। ये चीज़ आप पहला भी पढ़ के आए हैं कि किने किहदे द्वारा करवाई गई सी आह रामसे मैकडोनल्ड जो कि उस टाइम दे प्राइम मिनिस्टर सीगे। ते आ कदों हुई सी? हुई सी 1930 दे विच। गांधी जी ने किस शख्सियत नूं दीन बंधु का खिताब दिता सी? टू विच परसनैलिटी गांधी गेव द टाइटल दीन बंधु। अरबिंदो, सी एफ एंड्रयूज, विनोदा भावे, सी आर दास। इना दे विचों सी एफ एंड्रयूज़ ऑप्शन बी नू गांधी जी ने दीन बंधु का टाइटल दिता सी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी हु गिव द टाइटल दीन बंधु टू सी एफ एंड्रयूज़। सी एफ एंड्रयूज़ नू टाइटल दिता गया दीन बंधु का गांधी जी के द्वारा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिता? तो इहदा राइट आंसर जो है इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह सेंट्रल असैम्बली दे विच बंब सुटन तो बाद भगत सिंह ने लगाया सी ये नारा। लेकिन ये नारा सब तो पहला किसने वरतिया सीगा वह भी आप पढ़ लेंदे हाँ। पहली बार 1921 दे विच मौलाना हज़रत मोहानी द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारे नू वरतिया गया सी। ठीक है जी। भगत सिंह ने नारा लगाया सीगा जो उन्होंने सेंट्रल असैम्बली दे विच बंब सुटिया सी। पर सब तो पहली बार 1921 विच मौलाना हज़रत मोहानी द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारे नू वरतिया गया सीगा।
किसने कहा से कि ब्रिटिश राज का शोषण वाला सुभाव सी ब्लीडिंग इंडिया वाइट। हु सैट दैट द एक्सप्लाइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ब्लीडिंग इंडिया वाइट। किन्ने लाइना कीतियां कई सगियां कि ब्रिटिश राज का शोषण वाला सुभाव है एंड ब्लीडिंग इंडिया वाइट। तिलक, दादा भाई नरोजी, ह्यूमे या एनी बेसेंट। दादा भाई नरोजी ने यह शब्द कहे थे कि ब्रिटिश राज का शोषण वाला सुभाव सी। दादा भाई नरोजी सैड दैट द एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ब्लीडिंग इंडिया वाइट। इंडिया फॉर द इंडियन का सियासी संदेश सी। इंडिया फॉर द इंडियन वाज अ पोलिटिकल मैसेज ऑफ केदा मैसेज सीगा इंडिया फॉर द इंडियन। डी वी वाचा, विवेकानंद, दयानंद, ह्यूमे। दयानंद जी का सियासी संदेश सी इंडिया फॉर द इंडियन। इंडिया फॉर द इंडियन वाज अ पोलिटिकल मैसेज ऑफ दयानंद। अवध के लखनऊ विच 1857 के विद्रोह की अगवाई की गई सी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लैड बाय वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, आसफ उद्दौला, बेगम जीनत महल। ये थोनों कन्फ्यूज़ करने वास्ते बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, बस हजरत ते जीनत चेंज किया हो इन्होंने, ठीक है। अवध ते लखनऊ दे विच किन्ने जे सी अगवाई की सी 1857 के विद्रोह की। राइट आंसर है ऑप्शन बी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वाज लैड बाय बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल द्वारा जो है विद्रोह की अगवाई की गई सी। बेगम हजरत महल। महाराणी विक्टोरिया की महत्वपूर्ण घोषणा तबादला इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी तो ताज तक का अधिकार सी तो बनाया गया है। क्वीन विक्टोरियाज फेमस प्रोक्लामेशन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन वाज मेड फ्रॉम। जिहड़ी महारानी विक्टोरिया सी उन्होंने एक प्रोक्लामेशन की सी, घोषणा की सी, उन्होंने कहा सी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, ठीक है। ये घोषणा उन्होंने किधर की सी, लंडन दे विच, कलकत्ता दे विच, दिल्ली दे विच या इलाहाबाद दे विच। ये घोषणा उन्होंने इलाहाबाद दे विच की सी। 1 नवंबर 1858 नूं इलाहाबाद विखे एक विशाल दरबार होया। इत्थे लॉर्ड कैनिंग ने शाही घोषणा पत्र भेजिया जिस विच घोषणा की गई कि राणी ने भारत दी सरकार संभाल ली है। इस घोषणा ने भारत विच ब्रिटिश शासन की भविखी नीति का ऐलान किया, ठीक है जी। तुसी याद रखना है कि रानी विक्टोरिया ने कित्थे घोषणा की सी, इलाहाबाद दे विच। गोविंद ढोंदू पंत नाना साहिब के नाँ नाल मशहूर। नाना साहिब का रियल नेम जो सी गोविंद ढोंदू पंत, जो नाना साहिब के नाँ नाल मशहूर सी, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतावान विचों एक सी। गोद लिया वारस उत्तराधिकारी सी, किन्हां द्वारा गोद लिया गया सी ते किन्हां दा उत्तराधिकारी सी नाना साहिब जी। पेशवा बाजीराव दो, झांसी का राजा, माधव राव सिंधिया, मल्हार राव होलकर। इहदा राइट आंसर है ऑप्शन ए। पेशवा बाजीराव दो, गोविंद ढोंदू पंत जो कि नाना साहिब के नाँ नाल मशहूर सी, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतावान विचों एक, पेशवा बाजीराव दो दा गोद लिया वारस अते उत्तराधिकारी सी, ठीक है जी। पेशवा बाजीराव दो द्वारा इन्हों गोद लिया गया सी। बिहार विच सब तो मशहूर कबायली बगावतों विचों एक वजो जाणिया जाता है जिसकी अगवाई हेठ मुंडियां द्वारा उल गुलान मतलब महान गड़बड़ की शुरुआत की गई सी। बिहार दे विच काफ़ी सारिया कहिंदे बगावतां होईयां जिन्हां दे विचों एक मशहूर कबायली बगावत सी जिन्हों जिहदी शुरुआत जिहड़ी सी मुंडियां द्वारा की गई सी, जिहदी अगवाई ते इहदे द्वारा महान गड़बड़ की शुरुआत की गई सी। किहदी लीडरशिप दे अंडर होया सी, कान्हू, सिंधु, बिरसा मुंडा या रामसमा, रामपा मुंडा। इहदा राइट आंसर है बिरसा मुंडा। वन ऑफ द बेस्ट नोन ट्राइबल रेबेलियन इन बिहार नोन एज ग्रेट टम्पलट वॉज लॉन्च्ड बाय द मुंडाज अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की लीडरशिप के अंदर जड़ी है यह महान गड़बड़ बिहार दे विच हुई सी। नैक्सट क्वेश्चन है, 1857 की बगावत तो पहला सब तो पुरानिया अते सब तो मशहूर बगावतों विचों एक सी। वन ऑफ द अर्लीएसट एंड बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह तो पहला भी विद्रोह होए सी, उन्होंने एक बेस्ट कहिंदे नोन म्यूनिटी केड़ी सी।
एक बहुत मशहूर बगावत हुई सी, केड़ी सी? नेटिव इन्फेंट्री बगावत, वैलोर विखे भारतीय सेना की बगावत, शोलापुर बगावत, असाम सैनिका की बगावत। जिहड़ी ऑप्शन नंबर बी, वैलोर विखे भारतीय सैनिका की बगावत हुई सी 1806, जिहड़ी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई सी 1857 तो पहला। ऑप्शन बी, वैलोर विखे भारतीय सेना की बगावत। नैक्सट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसके बाद दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया? महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर। मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते ते हस्ताखर करन तो बाद, मुस्लिम लीग नाल सिद्धी गलबात करन तो इनकार करन तो बाद, कांग्रेस द्वारा इजाजत दिती जा रही है, यह भरोसा प्राप्त करना आजादी तेजी नाल आ रही है। गांधी जी ने दूजे गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच किस तो बाद हिस्सा लिया सी? मार्च 1931 विच गांधी इरविन समझौते ते हस्ताखर करन तो बाद दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच हिस्सा लिया सी। 1930 विच महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया सी, 1930 दे विच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किधरों शुरू किया सी? वर्धा सेवाग्राम, साबरमती या डांडी? तो ये जो आंदोलन सी साबरमती तो शुरू किया सी। ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम। 1932 विच ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? बी आर अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, जगजीवन राम। महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन समाज 1932 की स्थापना की गई। हरिजन सेवक संघ एक गैर मुनाफा संगठन है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 विच भारत विच छुआछूत दे खात्मे लई हरिजन जा दलित लोकां लई काम करन अते भारत दे दब्बे कुचले वर्ग दे विकास लई कीती गई सी। ठीक है, ताकि छुआछूत दा खात्मा हो जावे, दब्बे कुचले वर्ग दे विकास दे लई हरिजन सेवक संघ जो एक गैर मुनाफा संगठन सी उसकी स्थापना कीती गई सी। नैक्सट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट का केड़ा अखबार से? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द न्यूज़ पेपर ऑफ एनी बेसेंट? एनी बेसेंट का अखबार केड़ा से? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया? ऑप्शन डी, न्यू इंडिया जो सी वो न्यूज़ पेपर से एनी बेसेंट का। न्यू इंडिया 20वीं सदी के शुरुआत में एनी बेसेंट द्वारा भारत में प्रकाशित एक रोजाना अखबार से जिस विच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाल संबंधित मुद्दों उजागर किया गया सी। राइट आंसर हो गया न्यू इंडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी द्वारा स्थापित किया गया सी? अलीगढ़ की मुस्लिम यूनीवर्सिटी नू किन्ने स्थापित किया सी? जिनाह सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद या भुट्टो? ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी नू फाउंड किया गया सी। सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में एक भारतीय मुस्लिम व्यवहारक, इस्लामी सुधारक, दार्शनिक, सिक्ख्या शास्त्री सी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडड बाय सैयद अहमद खान। ड्रेन ऑफ वैल्थ दे सिद्धांत का मुख्य व्याख्याकार सी? द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वैल्थ वाज। किसने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वैल्थ की व्याख्या की सी? ड्रेन मतलब निकासी होना, धन की जिहड़ी निकासी हो रही सी उहदी व्याख्या किसने की सी? आर सी दा दादा भाई नरोजी, डी आर डा गाडोइल, कार्ल माने। दादा भाई नरोजी ने इहदी व्याख्या कीती सी। दादा भाई नरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ब्रिटिश शासन दौरान भारत विचों दौलत दे निकास दे संकल्प का जिक्र किया है। उसने ड्रेन का एस्टीमेट बनाया जिसकी कीमत 80 लाख रुपए सी। दादा भाई नरोजी ने एक एस्टीमेट बनाया जिद अकॉर्डिंगली कहें 80 लाख रुपए तक की निकासी की जा चुकी है। किताब कड़ी सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1893 तो बाद जदों सारिया ते मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, कंपनी दी व्यापारिक गतिविधियां द्वारा भारत नू शोषण लिए खुला छड़ दिता गया सी। आफ्टर 1893 वैन कंप्लीट बैन वाज इंपोज्ड ऑन ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, इंडिया वाज लैफ्ट ओपन टू एक्सप्लाइटेशन बाय। 1893 तो बाद कहिंदे काफ़ी सारिया चीज़ों के काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बैन लग गया सी, लेकिन फिर भी भारत का एक्सप्लाइटेशन, भारत का शोषण हो रहा सी। किहदे द्वारा हो रहा सी?
भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बीजण वालों द्वारा ब्रिटिश व्यापारक उद्योग पूंजीपति वर्ग द्वारा जिमीदार अते वड्डे जिमीदारा ब्रिटिश व्यापारक उद्योगिक पूंजीपति वर्ग द्वारा भारत का शोषण हो रहा है। इंडिया वॉज लैफ्ट ओपन टू एक्सप्लाइटेशन बाय ब्रिटिश मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल कैपीटलिस्ट क्लास, ब्रिटिश व्यापारक उद्योगिक पूंजीपति वर्ग। नैक्सट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की सब तो वड्डी वस्तु सी, सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इनवैसटमेंट इन इंडिया वाज, रेलवे, बूटे अते खाना, बैंकिंग अते बीमा या शिपिंग। रेलवे जो है वह सब तो वड्डी पूंजी निवेश की वस्तु सी। नैक्सट क्वेश्चन है, 1919 के एक्ट के अनुसार हेठ लिखियां विचों केड़ा तबादला किता विशा नहीं है। एज़ पर एक्ट ऑफ 1919 विचों द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ट्रांसफर्ड सबजैक्ट, सिक्ख्या, अजायब घर, डाक्टरी रहत या भूमि मालिया। एज़ पर द एक्ट ऑफ 1919 लैंड रेवेन्यू वॉज नॉट अ ट्रांसफर्ड सबजैक्ट, लैंड रेवेन्यू एक तबादला किता विशा नहीं सी, क्या लैंड रेवेन्यू ते कोई तबादला नहीं होया सी। नैक्सट क्वेश्चन है, राजशाही जो कि 1921 नू सूबे विच शुरू की गई सी साल तक लागू सी। डायरकी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921 इन प्रोविंस अफाज इन फोर्स टिल द ईयर, राजशाही 1921 ते शुरू किया गया कदों तक लागू रही, 27, 35, 37 या 47। 1937 तक राजशाही जो सी वो लागू रही, 1921 तो 1937 तक। इट वॉज इन फोर्स टिल 1937 एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशनल ऑटोनॉमी। इस दे दौरान होम रूल लीग का गठन किया गया सी, द होम रूल लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द पहला विश्व युद्ध, बंगाल की वंड, जलियावाला बाग सागे तो बाद संघर्ष, मिंटो मोरलो सुधारा नू लागू करना। होम रूल का गठन किस तो बाद किया गया सी या कि दौरान किया गया सी, होम रूल का गठन जो है होम रूल लीग का गठन पहले विश्व युद्ध दौरान 1914-15 के दौरान जो है फॉर्म किया गया सी होम रूल लीग नू। होम रूल लीग ऑर्गनाइजेशन वॉज स्टैबलिश्ड इन ओही 1914 तो बाद 1915-16 के ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन बाल गंगाधर तिलक अते एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग ऑर्गनाइजेशन नू इस्टैबलिश किया गया। ठीक है जी, पहले विश्व युद्ध दौरान किया गया। हेठ लिखे विचों कौन कट्टरपंथियों का आगू नहीं सी, कट्टरपंथी यानी कि जड़े एक्सट्रीमिस्ट सी उन्हां दा आगू लीडर कौन नहीं सी, लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय या ह्यूम। जो ह्यूम सी ओहो कट्टरपंथियों का आगू नहीं सी, राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूम। नैक्सट क्वेश्चन है, सत्याग्रह सभा का गठन गांधी द्वारा किया गया सी, सत्याग्रह सभा वास फॉर्म्ड बाय गांधी एट बंबई, कलकत्ता, गुजरात या पूना। सत्याग्रह सभा कितने फॉर्म की गई सी, सत्याग्रह सभा वास फॉर्म्ड बाय गांधी एट बंबई, कलकत्ता, गुजरात या पूना। सत्याग्रह सभा कितने फॉर्म की गई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बंबई। गांधी ने रोलट बिल के विरुद्ध लड़ाई शुरू की 24 फरवरी 1919 बंबई विखे सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रोलट बिल के विरोध के लड़ाई शुरू की 1919 बंबई विखे सत्याग्रह की स्थापना की, सत्याग्रह सभा की स्थापना बंबई विच की गई। गांधी ने विरोध करन लई ऑल इंडिया हड़ताल का सद्दा दिता रोलट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल। गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ सद्दा दिता कि 6 अप्रैल नू आपां हड़ताल करांगे, ऑल इंडिया हड़ताल होवेगी। किहड़े ईयर दे विच कीता सी इह उन्होंने ऐलान, 1918, 1919, 1926 या 1925। 6 अप्रैल 1919 नू उन्होंने सद्दा दिता हड़ताल करन वास्ते। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई पहली वड्डी राष्ट्रीय मुहिम रोलट एक्ट के विरुद्ध सी, जिसने नागरिक सुतंत्रतावां नू बुरी तरह सीमित कर दिता सी। यह अंदोलन 6 अप्रैल 1919 के एतवार को मनाए गए ऑल इंडिया हड़ताल नाल शुरू होया सी। गांधी जी ने खुद बंबई विच हड़ताल की अगवाई करन दा फैसला किया सी। ठीक है जी, 6 अप्रैल 1919 नू गांधी जी ने सद्दा दिता सी कि आपां हड़ताल करांगे। जलियावाला बाग की मीटिंग विच फौजां नू गोली चलाने का हुक्म किने दिता सी, बैन, इरविन डायर या मोटेंगू।
डायर ने फौजा नू गोली चलाने का हुक्म दिता सीगा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड की जांच कमेटी की अगवाई किन्ने की? जिहड़ी जांच कमेटी बनी सी उहदी अगवाई डायर ने की, इरविन ने की, हंटर ने या साइमन ने? तो उहदे लई हंटर कमीशन बनाया गया सी जलियांवाला बाग की जिहड़ा कांड होया सी उहदी जांच करन वास्ते। खिलाफत लहर का आयोजन किया गया सी जिन्ना द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, अली ब्रदर द्वारा, आगा खान द्वारा। खिलाफत लहर का आयोजन जो है वह अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया सी। ये बारे थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गनाइज्ड बाय अली ब्रदर्स शौकत एंड मुहम्मद अली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की। तुर्की नाल जिहड़ी इनजस्टिस होई सी उहदा बदला लैण वास्ते जो है अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट नू ऑर्गनाइज़ किया सी। अली ब्रदर्स केड़े सी? शौकत एंड मुहम्मद अली। 1920 विच कलकत्ता विखे आयोजित कांग्रेस का विशेष सैशन सी जिस की प्रधानगी की सी। 1920 विच कलकत्ता विखे कांग्रेस का एक सैशन होया सी जिहदी प्रधानगी किहने कीती सी? नेहरू, लाला लाजपत राय, बोस या गांधी? राइट आंसर है लाला लाजपत राय। 1920 नू कलकत्ता दे विच जिहड़ा सैशन होया सीगा उहदी अगवाई लाला लाजपत राय जी द्वारा की गई सी। इहदा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। हेठ लिखे विचों जिन्हां ने असहयोग का विरोध नहीं किया, असहयोग अंदोलन का विरोध किन्हें नहीं किया सी? सी आर दास, मदन मोहन मालविया, श्रीमती बेसंत, नेहरू। नेहरू जी ने असहयोग अंदोलन का विरोध नहीं किया सी। राइट आंसर है नेहरू। डांडी मार्च 1930 तो शुरू होया, किधरों शुरू होया सी? सूरत, साबरमती आश्रम, दिल्ली दरबार हॉल या वेदारनियन? डांडी मार्च जो सी वो साबरमती आश्रम तो शुरू होया सी। हेठ लिखे विचों केड़ा मुख सिद्धांतों विचों एक नहीं सी महात्मा गांधी जी दे सभ्याचार दे सिद्धांत दी? गांधी जी दे कुछ एक सिद्धांत सी, उन्हां विचों केड़ा एक जिहड़ा सी गांधी जी दा सिद्धांत नहीं सीगा? सच्चाई, हिंसा, निडरता या परहेज? परहेज जो है वह गांधी जी का सिद्धांत नहीं सीगा। करो जा मरो दा नारा किस नाल जुड़िया होया है? कहने गया सी करो या मरो, डू और डाई एसोसीएटेड विद होम? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? ये जड़ा डू और डाई है ये महात्मा गांधी जी दे नाल जुड़िया होया है। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगस्त क्रांति मैदान विच महात्मा गांधी ने अपना मशहूर करो जा मरो भाषण दिता जो भारत छड्डो अंदोलन की शुरुआत नू दर्शांदा सी। अगस्त क्रांति मैदान दे विच महात्मा गांधी ने अपना मशहूर नारा दिता करो जा मरो दा भाषण दिता। बारडोली सत्याग्रह की अगवाई की गई, बारडोली सत्याग्रह की अगवाई किने की? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या मुरारजी देसाई? इहदा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। द बरडोली सत्याग्रह 1928 वॉज अ मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लैड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर द फार्मर्स ऑफ बरडोली अगेंस्ट द अनजस्टिस रेजिंग ऑफ टैक्सिस। जिहड़ा किसानों के नाल जो इनजस्टिस हो रहा सी उहदे खिलाफ वल्लभ भाई पटेल जी ने बारडोली सत्याग्रह की अगवाई की। दूजे दौर विच कांग्रेस का इकला इकलौता प्रतिनिधि टेबल कॉन्फ्रेंस सी, द ओनली रैप्रजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विच कांग्रेस का ओनली रैप्रजेंटेटिव किहड़ा सी? सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। द सैकेंड सैशन सितंबर दिसंबर 1931 वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी एज अ कांग्रेस रैप्रजेंटेटिव। महात्मा गांधी जी द्वारा अटेंड किया गया कांग्रेस रैप्रजेंटेटिव बन के। पश्चिमी ढंगों लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन सी? हु वॉज अ फस्ट इंडियन रूलर टू अडोप्ट वैसटर्न मैथड। वैसटर्न मैथड अडोप्ट करने वाला भारतीय कौन सी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खान, मल्हार राव होलकर? टीपू सुल्तान का राइट आंसर है फर्स्ट इंडियन रूलर टू अडोप्ट वैसटर्न मैथड्स वाज टीपू सुल्तान। नैक्सट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का समाज सुधारक जो अपने कलमी नाम लोक हितवाड़ी नाल मशहूर होया सी? सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र हु बिकम फेमस ऑफ हिज पेन नेम लोक हितवाड़ी। लोक हितवाड़ी के नाम नाल कौन प्रसिद्ध होया सी?
आत्माराम पांडुरंगा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, के एस चापलूंगकर। गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवाड़ी जो जाने जाता है, ठीक है जी, राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवाड़ी भी किया जाता है। जजा की पहली पीढ़ी तक सुकरात की भूमिका निभाई बंगाल के पढ़े लिखे नौजवान, बंगाल का एक पढ़िया लिखा नौजवान जिन्हें अंग्रेजा की पहली पीढ़ी तक सुकरात की भूमिका निभाई कौन सी? एजुकेटेड यंग मैन ऑफ बंगाल हु प्लेड सॉक्रेट्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंग्लिश, स्वामी विवेकानंद, राय नारायण बोस, हैनरी विवियन डिरियो। विच ऑफ द राइट आंसर की है, ठीक है जी, इन्होंने जो है सॉक्रेट्स की भूमिका निभाई, सुकरात की भूमिका निभाई, सॉक्रेट्स की भूमिका, हैनरी विवियन डिरोजियो। आर्य समाज की तत्काल प्रसिद्धि का मुख्य कारण की सी? आर्य समाज की तत्काल प्रसिद्धि का मुख्य कारण की सी? मेन कॉज फॉर द इंस्टेंट पॉपुलैरिटी ऑफ द आर्य समाज वास, ये हिंदू धर्म के शुद्ध रूप में दर्शाता है, इसने पश्चिमी सिक्ख्या के कारणों का समर्थन किया, शब्दावली दी, इसने हिंदू धर्म दियां बुराइयां दे विरोध नू वैदिक धर्म अते होर सारे धर्मां उत्ते भारतीय विचारां दी उत्तमता दे हमलावर दावे नाल जोड़िया, इसने अपने पैरोकारां नू वेदां वल वापस जाण दा सद्दा दित्ता। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इहदी एक्सप्लेनेशन की है, आर्य समाज दी तत्काल प्रसिद्ध दा मुख कारण सी कि इसने हिंदू धर्म दियां बुराइयां दे विरोध नू वैदिक धर्म अते होर सारे धर्मां नालों भारतीय विचारां दी उत्तमता दे हमलावर दावे नाल जोड़िया। नैक्सट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तत्काली पूर्व संचालक सी? इमीडिएट फॉर रनर ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस, इंडियन नैशनल कांग्रेस का इमीडिएट फोर रनर केड़ा सी? इंडियन नैशनल कांग्रेस का इमीडिएट फोर रनर, पूर्व संचालक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नैशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, भारतीय संघ। इंडियन नैशनल कांग्रेस का फोर रनर केड़ा सी? इंडियन नैशनल कॉन्फ्रेंस, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन नैशनल कॉन्फ्रेंस। इज कॉल्ड एज प्रीडेसेसर ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस, इंडियन नैशनल कांग्रेसर द कांग्रेस का प्रीडेसेसर किया जाता है इंडियन नैशनल कॉन्फ्रेंस नू। ये मेन ऑर्गनाइजर से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ते आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस अपने पतन वाल झुक रही है अते इस अते एक भारत विच रहिंदिया मेरिया सब तो वड्डिया इच्छावां विच इसकी शांतिपूर्ण मौत विच सहायता करना है? हू सैड कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बीशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डेमाइस? किसने आह जो है भाषण के विच किया सी, किसने आह लाइना कहियां सीगियां? डफरिन, लॉर्ड करजन, लॉर्ड लैंस डाउन, लॉर्ड एलगिन। करजन ने कहा सीगा ये कि जड़ी इंडियन कांग्रेस है वो अपने पतन वाल झुक रही है, करजन ने लाइना कहियां सी, लॉर्ड करजन ने, कहिंदा कि जो इंडियन नैशनल कांग्रेस है अपने पतन वाल झुक रही है तो मेरी इच्छा है कि मैं इसकी मौत दे विच सहायता करां। नैक्सट क्वेश्चन है, बंगाल की वंड के नतीजे वजो करजन ने 1905 विच बंगाल नू दो सूबियां विच वंड दिता सी। एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंसड बाय लॉर्ड करजन इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशनड इन टू टू प्रोविंसिज ऑफ, बंगाल नू दो हिस्सों के विच वंडिया सी लॉर्ड करजन द्वारा, बंगाल नू दो हिस्सों विच वंडन दा ऐलान किया, पूर्वी बंगाल अते असाम, अते एक हिस्सा सीगा पूर्वी बंगाल अते असाम, दूजा हिस्सा सी बंगाल, ठीक है, एक हिस्सा सीगा बंगाल, दूसरा सी पूर्वी बंगाल अते असाम, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स अज की वीडियो दे विच इन्ने ही क्वेश्चन, जे तुहानू क्वालिटी कंटेंट लगा होवे, क्वेश्चन पसंद आए हो, वधिया लगे हो, तुसीं इस चैनल नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर सकते हो, बाकी कुछ भी तुहाडा क्वेश्चन होवे कमेंट बॉक्स के पुछ सकते हो, ठीक है जी। ये जड़ा अज की जी वीडियो है तो लिए पीटर प्लस बी क्लर्क के लिए भी इंपोर्टेंट रहेगी, आंगनवाड़ी के लिए भी, कोई होर भी एग्जाम दे रहे हो भी, क्योंकि ये जड़ा है इंडियन जीके सेम ही सिलेबस हों सारे सबजैक्ट्स का। मिलते हैं अगली वीडियो के, तद तक लिए रब रखा, धन्यवाद।